प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी रायबरेली से आ रही है। रायबरेली दौरे पर है राहुल गांधी। शहीद अंशुमन सिंह के परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय बिताएंगे। रायबरेली के कलेक्टर परिसर में भी जाएंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायबरेली के दौरे पर है सांसद राहुल गांधी और आपको बता दें कि शहीद अंशुमन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। पिछले दिनों उनकी पत्नी स्मृति चक्र लेकर के वापस लौटी थी और अभी आपको बता दें कि राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं उनके पत्नी से मुलाकात करने के लिए, उनके परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए। और आपको बता दें कि कुछ समय वहां पर बिताएंगे कार्यकर्ताओं के साथ भी। रायबरेली में कलेक्टर परिसर में भी जाएंगे राहुल गांधी, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो आज रायबरेली के दौरे पर हैं राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय बिताएंगे, बैठक करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और आपको बता दें कि अंशुमन के परिवार से मुलाकात करते नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज रायबरेली के दौरे पर है राहुल गांधी और तमाम तरीके के कार्य वहां पर करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। क्या कुछ जानकारी फिलहाल? खुशबू, जैसा कि जानकारी आएंगे आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ और किले के साथ बाकी अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, लेकिन एकाएक का कार्यक्रम चेंज हो गया है। अब राहुल गांधी वाई रोड लखनऊ से आ रहे हैं और बताया जा रहा है लगभग 2 घंटे राहुल गांधी को और लगेंगे रायबरेली पहुंचने में। और जो अभी ये मीटिंग बचत भवन में होनी थी वो बचत भवन में ना होकर के राहुल गांधी के गेस्ट हाउस मऊ में होगी, जहाँ पे सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी लोगों से विकास कार्यों को लेकर सबका बैठक होगी। वही शहीद अंशुमन के परिजन जो कि आ चुके हैं भुए मऊ गेस्ट हाउस, उनकी भी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। राहुल, जिस तरह से वहां पर तैयारियां किस तरह की गई है, कार्यकर्ताओं का जब मीटिंग लेंगे तो वो समय कब होगा और क्या कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ दिग्गज भी उसमें शिरकत करेंगे उस बैठक में? खुशबू, जैसा कि देखा जाए तो राहुल गांधी पहले आएंगे गेस्ट हाउस में, वो शहीद अंशुमन के परिजनों से मिलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्टर वकील वर्ग के लोग हैं और फिर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद फिर वो जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर के बैठक करेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शहीद अंशुमन के घर जाएंगे राहुल गांधी, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ कुछ समय बिताएंगे, रायबरेली के कलेक्टर परिसर भी जाएंगे। आपको बता दें कुछ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे, विकास कार्यों को लेकर जायजा लेंगे और तमाम तरीके की जानकारी भी लेंगे। T20 विश्व कप में भारत की जीत का परचम लहराने के बाद बारबाडोसा से लौटी टीम का हौसला बुलंद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई में विक्ट्री परेड के बाद अब टीम के सदस्य अपने अपने घर आ रहे हैं। इसी क्रम में स्पिनर कुलदीप यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान आरएसएस पर लव जिहाद के आरोप पर दिनेश शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना तौकीर राजा का मानसिक इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी तमाम बातें कही है जो कि नहीं कहनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिनेश शर्मा। कई 100 साल राम मंदिर की चिंता नहीं की और कई सालों तक दसियों साल उनको त्रिपाल में भिगोए रखा, अब इनको राम की चिंता आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सब जानते हैं, ईश्वर की अनुकंपा किस पे होगी। मोदी जी तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री बने हैं
और विपक्ष हार की हताशा को झूठी खुशी दिखाकर वो खुश होना चाहता है। मैं समझता हूँ ये उनकी जो है हताशा है जो प्रकट हो रही है। बरेली में आंवला सपा सांसद नीरज मौर्य ने 300 बेड अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है, साथ ही मरीजों से बातचीत कर सुविधा के बारे में जानकारी ली है। वहीं सपा सांसद नीरज मौर्य ने गंदगी जल भराव देखकर नाराज हुए और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। मैं 2012-13 के अंतर्गत माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, एक बहुत ही अच्छा 300 बेड का अस्पताल यहाँ पे बनाया। आज मैं अचानक वहाँ निरीक्षण करने पहुँचा तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान की सरकार ने उस अस्पताल की इतनी दुर्दशा कर दी कि वहाँ पे पानी टपक रहा है, पानी भरा हुआ है, वेंटिलेटर रखे हुए हैं, बेड पड़े हुए हैं, अस्पताल पूरी तरह से ठप पड़ा है, बंद पड़ा है। एक छोटे से एरिया में एक ओपीडी चल रही है जहां कुछ डॉक्टर्स हैं और वहां पे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका भी शिकायत था कि उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको आउटसोर्सिंग पर रखा गया है। इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, ज्ञान बापे स्थित वजू खाने का एसआई का पूरा मामला है। एसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई है आज। जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल रिविजन की गई है जिसका आज आपको बता दें कि सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई होगी। ज्ञान बापे स्थित वजू खाने की जिस तरह से एसआई सर्वे की मांग वाली जो याचिका है उस पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन के अगुवाई में ये सुनवाई की जाएगी। दोपहर 2 बजे से इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई होगी। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्योंकि आज सुनवाई होनी है और किस तरह की तैयारियां हैं? जी कुछ बता देंगे, जैसे कि ज्ञान वापी वजू खाने की सर्वे की एसआई मांग को लेकर जहाँ ये याचिका दाखिल की गई थी, प्लेंटिव नंबर 3 है राखी सिंह, उनके वकील सौरभ तिवारी के द्वारा ये याचिका दाखिल की गई थी। बता दें सिविल रिवीजन दाखिल किया गया था जिसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था और जिसके बाद ये याचिका दाखिल हुई थी और इस पर मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने जवाब मांगा था, मगर पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता पेश नहीं हुए थे जिसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता को साथ इन्फॉर्म करें कि वो इस सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहे और आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और 2 बजे के बाद से ये सुनवाई शुरू होगी। जी सैयद, जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से ये जो सिविल रिवीजन दाखिल की गई है इसको लेकर आज सुनवाई होनी है, हिंदू पक्ष की ओर से आज इस सुनवाई में कौन से अधिवक्ता या फिर ये कहे कि कौन से बड़े दिग्गज लोग इसमें शामिल होंगे इस वक्त? जी देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौन पेश होता है ये देखना होगा, मगर हिंदू पक्ष की ओर से सौरभ तिवारी हैं जो इस पे पेश हो गए और भी इस पे कई सूट है और उस सूट के कई अधिवक्ता भी इस पे साथ में होते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से पूरे वजू खाने की जो पूरे एरिया की एसआई सर्वे की मांग है इस पर लोगों की नजर है कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा और किस तरह से इसका सर्वे होगा, ये तो देखने वाली जो आने वाला समय होगा उसमें जब रिपोर्ट का आदेश होगा उसके बाद ही ये कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई है। जस्टिस रोहित रंजन के सिंगल बेंच में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब पूरे इस मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिला के सिविल रिविजन की गई, हालांकि पूरी तरह से कोर्ट के बाहर तैयारियां पूरी तरह से की गई है। दोनों पक्षों की ओर से आज दलीलें पेश की जाएंगी और कोर्ट की ओर से आपको बता दें कि इस अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है हाथरस से, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हाथरस सत्संग में भगदड़ का यह पूरा मामला है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
एसआईटी के जरिए कई दिनों तक निरीक्षण किया गया है। एसआईटी ने लगभग 70 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए हैं। लगातार पीड़ितों के संपर्क में एसआईटी रही है और आपको बता दें कि यहां पर जांच पूरी कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाथरस कांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, पूरी तरह से जांच की गई है। एसआईटी के जरिए कई दिनों तक निरीक्षण किया गया है, उसके बाद प्रस्तुत किया गया है ये रिपोर्ट। एसआईटी ने करीब 70 लोगों के इसमें बयान दर्ज किए हैं। लगातार पीड़ितों के संपर्क में एसआईटी रही है, उसके बाद ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है। अमेठी से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। प्राइवेट बस की अज्ञात वाहनों से जोरदार टक्कर की खबर सामने आ रही है। सड़क दुर्घटना में 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों का आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये प्राइवेट बस की अज्ञात वाहनों से जोरदार टक्कर में इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो यात्री घायल हैं उनको आपको बता दें कि अस्पताल में भेजकर इलाज यहां पर करवाया जा रहा है। अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद कुमार दुबे जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से यह हादसा पेश आया है? जी खुशबू, आपको बता दूं कि दिल्ली से सीवान जा रही बस एक हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं लगभग एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बस को अज्ञात वाहन से टक्कर का जो है मामला बताया जा रहा है, जिससे बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से पहुंचाया है जिला अस्पताल, जहां पर 2 की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल गौरीगढ़ रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर अमेठी एसपी सीओ पहुंचकर सीएसटी बाजार सुकुल पहुंचे हैं और जहां पर घायलों का हाल चाल जान रहा है। ये पूरी घटना जो है बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 68.8 की बताई जा रही है। जी विनोद, जो यात्री हैं, जो घायल हुए हैं, जो मृत पाए गए हैं, आप क्या उनके परिवार जनों को कुछ पता चला है, जानकारी मिल पाई है, शवों का शिनाख्त हो पाया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आप बता देंगे पुलिस के मुताबिक जो है उनके परिजनों को बुलाकर शव का पहचान करा ली गई है और उनके शव को पंचवा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया है। जी विनोद, इस हादसे के पीछे बड़ी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हादसे को बता रहे कि ये जो है पूरी बस दिल्ली से सिवान जा रही थी, जहां एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बस को टक्कर मार दी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए हैं। जी जो अज्ञात वाहन है विरोध, क्या पुलिस के कब्जे में है वो वाहन और चालक? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रात लगभग 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात वाहन बस को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया है। ना बस मिली, ना ग्राहक मिला है और ना ही कोई वहां पर सूचना मिल पाई है कि कौन सा वाहन था। अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया विनोद कुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमेठी से हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। अमेठी से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जो अज्ञात वाहन था वो पुलिस के कब्जे से बाहर है। फिलहाल जो यात्री घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज जारी है। पुलिस पूरे इस मामले में तफ्तीश कर रही है, किस तरह से हादसा पेश आया है, आखिरकार बड़ी वजह इसके पीछे क्या कुछ रहा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। घाघरा ने यहां पर आपको बता दें कि रौद्र रूप दिखाया है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है जलस्तर।
38 सेंटीमीटर घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है। काटन होने से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। बढ़ते जलस्तर से कई मजारों में पानी घुस गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां पर घाघरा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खतरे के निशान से जलस्तर ऊपर पहुंच गया है। 38 सेंटीमीटर घाघरा का जलस्तर बढ़ा है। काटन होने से बाढ़ पीड़ितों की यहां पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगरा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बारिश की वजह से जमीन में गड्ढा हो गया है। गड्ढे में बाइक सवार कई लोगों की यहां पर गिरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर निगम को ये सूचना दी गई है। ताजगांव मुरली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाइक सवार ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। ये गड्ढे में आपको बता दें कि बाइक सवार गिर गया था, लेकिन खबर ये कि किसी तरह से उसने अपनी जान बचा ली है। बारिश की वजह से जमीन में गहरा गड्ढा हो गया है। गड्ढे में बाइक गिर गई थी, हालांकि बाइक सवार ने बमुश्किल अपनी जान बचा ली है, लेकिन नगर निगम को इसकी सूचना दे दी गई है। ताजगंज मुरली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से गहरा गड्ढा दिख रहा है बारिश की वजह से। बाराबंकी में कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच रविवार को तीन अलग अलग बैराजों से 5 लाख क्यूसेक पानी सरयू नदी में छोड़े जाने से जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि जिले में 3 तहसील हैं जिनके किनारे घाघरा नदी का प्रकोप रहता है। इसके लिए बांध बने हुए हैं। 3 महीने से हम लोग बांधों के मेंटेनेंस का काम भी देख रहे हैं। देखिए, तहसील 3 है बाराबंकी जनपद में, जहाँ पे घाघरा नदी के किनारे बाढ़ का प्रकोप रहता है और इसके लिए वहाँ पे बंधे भी हमारे बने हुए हैं और पिछले 2 माह से लगातार हम लोग बंधों के जो मेंटेनेंस का काम है उसको देख रहे हैं। और कुछ गाँव में आबादी भी प्रभावित होती है, जब जलस्तर उस स्तर तक पहुँच जाता है तो उनके भी रुपये का प्रबंध होता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है। बाढ़ के संबंध में जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, वो पूरी हमारी ऑन ट्रैक है और बाढ़ की तैयारी हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं पे भी जो आपदा राहत का सामग्री वितरण करना होता है वो भी सामग्री हम लोग डिपार्टमेंट करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देश विदेश तक चर्चा में रहने वाले तीर्थ के राजा प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तेजी से तैयारी चल रही है और इस बार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर कोई विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मई मेला अधिकारी विजय करण आनंद के अनुसार इस बार महाकुंभ 4000 हेक्टेयर में बसेगी। 1900 हेक्टेयर में पार्किंग विकसित की जा रही है। इस बार मिला है 25 सेक्टर में ये बसाया जाएगा। इस बार 4000 हेक्टेयर के हमारी मेला एरिया की प्लानिंग है और लगभग 1900 हेक्टेयर की पार्किंग एरिया विकसित किया जा रहा है। 25 सेक्टर में मेला बसावट की जा रही है और जितने भी हमारे संस्थाएं शिविर स्थापित करेंगे उनके लिए सबसे अच्छी अवस्थापना सुविधाएं संतृप्त करने के लिए, हमारे कल्पवासी तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी अनुभूति हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। फतेहपुर में नदी में स्नान करने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शव को कराया है पोस्टमार्टम। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर हुआ है सामान्य बाढ़ में, डूबे दोनों व्यक्तियों को मिली है लाश, परिजनों में मचा है कोहराम। अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आज से ऑनलाइन अटेंडेंस लगना शुरू हो गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में उतरे माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी। इटावा में नेशनल हाईवे 19 ओवर ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी है टक्कर, एक की मौत 6 घायल। फतेहपुर में शिक्षकों ने किया है प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सौंपा है ज्ञापन।
कासगंज में डीएम ऑफिस पर किया पीड़ित परिवार ने आत्मदाह का प्रयास। 11 वर्षीय बच्चे के साथ की गई है बदसलूकी, शिकायत के बावजूद नहीं हुई मामले में कार्रवाई। बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने का पालिका की टीम को विरोध का करना पड़ा है सामना। दबंग की पुलिस कर्मी से हुई नोकझोंक, अधिशासी अधिकारी को भी धमकी दी। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा है कहर, आपस में टकराई है दो बाइक के हादसे में महिला समेत 6 लोग घायल। फतेहपुर में अराजक तत्वों ने युवक के साथ जमकर की है मारपीट, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित से की है मुलाकात, हर संभव मदद का दिया है आश्वासन। प्रतापगढ़ में बेटे की कातिल बनी मां, आशिक के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। कानपुर में छात्रा के मोबाइल पर चोरों ने किया है हाथ साफ, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। लखनऊ के एक होटल में देर रात लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर पाया है काबू, लोगों को सुरक्षित निकाला गया है बाहर। सहारनपुर में दिन दहाड़े महिला ने चोरी की वारदात को दिया है अंजाम, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सहारनपुर में अपर पुलिस महानिदेशक ने कांवड़ मार्ग का अधिकारियों संग किया है निरीक्षण, अधिकारियों को आवश्यक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।